वेलकम बैक टू द गेम बॉयज। और आज हम खेल रहे हैं टेरारिया का सिक्स्थ पार्ट। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहीं पे हमने आई ऑफ कथल्लू कार्डुल्लू जो पढ़ना पड़ो, जो कि गेम का पहला बॉस है, उसे हराया था। और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने बस थोड़ी मैथ की थी कि हमें कितने सामान से क्या क्या बनेगा, क्या क्या लगेगा वगैरह वगैरह। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे तुम देख सकते हो ये अरेना पे ये मैंने स्लाइम के वो लगा रखे हैं, क्या कहते हैं ये बैनर, क्योंकि इसमें स्लाइम रेन वाला इवेंट भी हुआ था। और स्लाइम रेन वाले इवेंट में स्लाइम गिरती हैं और थोड़ी देर में एक फिर स्लाइम किंग समन होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको नहीं मार पाया, बहुत ईजी बॉस है लेकिन मैं उसको नहीं मार पाया। उसकी उसकी क्लिप है छोटी सी, उस समय मैं साउंड रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो उसकी छोटी सी क्लिप मेरे पे है, मैं बाद में दिखाऊंगा शायद बीच में वीडियो के। उससे पहले हम और चीज़ों पे बात करते हैं कि क्या क्या हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये एक आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, मैं इसका नाम भूल गया। अरे इससे ये वाला वो मिलता है, ये शार्पन्ड, इससे मेली वेपन्स को आर्मर पेनेट्रेशन मिलती है, पता नहीं मैं इसका नाम भूल गया। और एक ये एक्स ट्रैक्टिनेटर है, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें हम स्लेट और डेजर्ट फॉसिल और एक और शायद एम्बर, शायद ऐसी एक और मटेरियल है वो डालते हैं तो उससे और वोर निकलते हैं। सबसे पहले तो मेरा आर्मर जो कि मैंने हाँ एक सेकेंड, ये रहा टंगस्टन का, इसका सेट बोनस ये मेरे को देता है 4, 5, 9 और 3, 12 डिफेंस है और 3 एक्स्ट्रा मतलब 15 डिफेंस है। तो ये 4 डिफेंस एक्स्ट्रा इसी की इससे आ रहा है, वार्डिंग बैंड ऑफ रीजनरेशन से। ये मेरे को एक मेस मिली थी, इसका नाम गॉड फ्लेमिंग मेस नहीं था, सिर्फ मेस था। तो मैंने उस पर क्लिक किया तो उसके नीचे लिखा आया था कि कैंडल्स के साथ और कुछ भी करता है। तो मैंने लेफ्ट राइट साइड में देखा तो ये बना था, मैंने क्राफ्ट कर दिया उसी समय, तो ये फ्लेमिंग मेस बन गया। और गॉडली इसका मॉडिफायर है तो इस समय ये फ़ायदा मिला। डैमेज बढ़िया है, क्रिटिकल स्ट्राइक भी बढ़िया है, पर मारने का तरीका इसका बहुत वैसी है। इसको जब तक हम दबा के रखेंगे तो ऐसे आसपास घूमेगा और डैमेज देगा, और अगर हम छोड़ेंगे तो वहाँ जाएगा ऐसे। अच्छा भी है, सही भी है और बेकार भी है साथ साथ में, कहीं पे ज़्यादा यूज़ है कहीं पे कम यूज़ है। और एक और चीज़, ये मेरे को शॉटूथ शार्क मिली, 70% एक्स पावर है, तो एक्स पावर तो अभी के लिए बहुत ज़्यादा है। आवाज़ भी है, ये फिशिंग से मिली थी मेरे को, मैंने बाद में फिशिंग की थी, 2-3 मिली थी मेरे को, दो तो मिली गई होगी। और मुझे एक बहुत कमाल की चीज़ मिली है, ये है इसे यहाँ रखता हूँ, चेन स्नेक चार्मर्स फ्लूट। तो ये बांसुरी से नागिन वाला सपेरो की बांसुरी, इसको जैसे मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ से एक सांप हुआ जाता है यहाँ से, और ये एज अ रोप में इसे यूज़ कर सकता हूँ, बहुत ऊपर जाता है। देख रहे हो कहाँ पहुँच गया मैं, और अभी मैं मर जाता, मैं मरा क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को ये एक्सेसरी मिल गई थी, लकी क्लाउड इन द बोटल डबल जंप की, बहुत मतलब लेट मिली मेरे को गेम में डबल जंप वाली कोई एक्सेसरी, यूजली पहले ही मिल जाती है। हाँ तो और मैं दिखा रहा था एक, ये है डेड मैंस चेस्ट, ये मेरे को नहीं पता कब मिली, एक्टिवेट्स वैन ओपन, मेरे को पता ही नहीं इसका क्या काम है, पहले तो देखी थी मैंने, मेरे को इसका विकी में पढ़ना पड़ेगा। ओके और मैंने आज के लिए क्या बचा के रखा है, मशरूम बायोम अंडरग्राउंड हाउस गोल्फ, अच्छा ठीक है तो मैं बताता हूँ, मैं लिख रखा है स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने चीज़ें रख रखी है, एक मेरे को ये इनकम्बरिंग स्टोन मिला था, अगर मैं इसको रखता हूँ अपनी इन्वेंट्री तो मैं इन्वेंट्री में उसके बाद मैं कुछ भी नहीं उठा सकता। और ये तो मैंने ऐसे ही बनाया था जेम लॉक देखने के लिए, ये फ्रूट मिले थे पेड़ काट के, 3 हर्ट मिले मेरे को, और ये पम्पकिन पाए तो मैंने कब के बना रखी है।
तो मैं हर्ट अभी वो कर लेता हूँ, 1 2 3, 220 हो गई मेरी वो। यहाँ पे मेरे को कुछ पोशंस भी मिले हैं नए नए, हंटर पोशन शायद मिला था मेरे को पहले ही, कुछ नए थे। ये वाला आर्चरी पोशन मेरे को नया मिला, टाइटन पोशन मिला, इनविजिबिलिटी पोशन मिला, शाइन वाला मिला। शाइन ये सब काम आते हैं बाद में, मैं अभी बाद में क्या कुछ टाइम में मैं खुद ही अपने पोशन बनाऊंगा। और मॉब लूट में मैं रोप का तो मेरे को कोई यूज़ ही नहीं, क्योंकि मैं स्नेक चार्मर वाला यूज़ करूंगा, बहुत हाई है वो। और मैंने 18 लेंस इकट्ठे किए, अब पता नहीं लेंस इतने मुश्किल क्यों है इकट्ठे करने, पहले तो हर आई गिराती थी। और ये बैनर है, अब मैं बैनर अलग कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि बैनर जल्दी भरते हैं, बहुत जल्दी भरते हैं बैनर धीरे धीरे। इक्विपेबल्स में मेरे पे बहुत सारी नई नई चीज़ें आई है। एक ही बीजोर है, ये जंगल से मिला था मेरे को इम्यूनिटी टू पॉइजन, जहाँ तक मुझे याद है कि ये पहले हार्ड मोड में मिलता था, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने इसे हार्ड मोड में यूज़ किया है। तो इससे एक इम्यूनिटी शील्ड नाम का एक वो बनता है, मतलब उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, इससे मैं देखूंगा बाद में। और ये मैजिक कॉन्स्ट एक था मेरे को, एक क्लाउड इन अ बॉटल मिला, ये भी एक मटेरियल है। मतलब इन एक्सेसरीज से हम कुछ बना नहीं सकते इनको आपस में जोड़ के, जब तक हम गॉबलिन को नहीं पकड़ लेते, तो वो तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ये स्टॉप वॉच मैंने वह उससे ख़रीदी थी जो आता है मर्चेंट, और मैंने मर्चेंट से ये लाइफ फॉर्म एनालाइजर भी ख़रीदा था। अभी इनका इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं है, लाइफ फॉर्म एनालाइजर कुछ लाइफ फॉर्म्स, स्पेशल लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट करता है, यहाँ पे बताता है। लेकिन ये सब मोबाइल फ़ोन बनाने में काम आते हैं, तो अभी तो मेरे को कुछ वो नहीं है। वेपन्स में मेरे को ये डेंजरस जॉम्बी आर्म मिली थी, जॉम्बी को मार के इतना कोई बढ़िया नहीं है। स्टैचूज 2-4 और मिल गए, फर्नीचर भी हैं वो रख रखे मैंने, क्या कहते हैं, चेस्ट वेस्ट। और एक मैंने मैकेनिक करके एक बॉक्स बनाया है, इसमें मैं ट्रैप्स और ये जो होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वाले जो रहते हैं मैकेनिक, ये मैकेनिज्म वाले, ये रख रखे हैं। मैंने बकेट भी बनाई, क्योंकि मेरे को अब ऑब्सीडियन चाहिए, तो मैं एक सोच रहा हूँ एक ऑब्सीडियन फार्म बनाऊँ शायद अगले से अगले एपिसोड में। इसमें मेरे आर्मर हैं, इसमें मेरे थ्रोएबल्स हैं और नेट्स हैं, बॉम फिश बहुत सारी हो गई, क्रिटर्स क्लब में क्रिटर्स फ्रिटर्स हैं, प्लस डाई बनाने वाले हैं। तो मैंने अभी तक कोई डाई बनाई नहीं है ना, शायद डाई बनाने से डाई ट्रेडर आ जाता है, पर डाई ट्रेडर के लिए शायद मेरे पे जगह नहीं है। डाई ट्रेडर वैसे अब डेजर्ट को ज़्यादा वो करता है, प्रेफर करता है। टूल्स में मैंने ये 2 शार्क को रख रखी है। ओके, तो ये ड्रायड मूव हो गई थी, ये शायद पिछले एपिसोड में हुई थी मुझे पता नहीं, पर जो ये नया सीन है इसके हिसाब से एक एक विलेज में 2 से ज़्यादा लोग मुश्किल से रह पाते, तीन तीन रह सकते हैं अगर उनमें से किसी दूसरे को पसंद करता है तो, नहीं तो 4 होना तो बहुत दिक्कत है। जैसे इस नर्स को यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा, आई डिसलाइक द सोशल डिस्टेंसिंग हेयर, इससे मतलब ड्रायड को पसंद नहीं करती है। प्लस जो हमारा मेन गाइड है ये इसको ये कह रहा है कि ये भी खुश नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि फॉरेस्ट में एक और बनाऊं, ये फॉरेस्ट बायोम है, माउंटेन या फॉरेस्ट बायोम, एक और घर बनाऊंगा आगे छोटा सा। और मैं क्या दिखाना था आज, डबल जंप बता दिया, मशरूम बायोम थोड़ी देर में जाएंगे। हाँ, NPC की बात करता हूँ, तो सबसे पहले अरे सीधा ले ही चलता हूँ ना। इस एपिसोड में बस मैं यही बताऊंगा कि मैंने ऑफलाइन क्या क्या किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। मैजिक कॉन्श का है, मैजिक कॉन्श मैंने खा रखा था इक्विपेबल्स में। ओके, अब गेम में हवा चलने लगी, तेज आवाज़ आ रही है हवा की, विंडी इवेंट शुरू हो गया शायद, पत्ते भी ज़्यादा वो हो रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे थे जो मकैनिक, यहाँ पे जो डिमोलिशनिस्ट था उसको पसंद नहीं थी ये जगह, वो अंडरग्राउंड यूज़ करते हैं, वो ड्रॉप होते हैं, तो मैंने उसको एक अंडरग्राउंड एक घर बनाया, वहाँ भेज दिया, वहाँ पे भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो एंगलर यहाँ लेटा हुआ था, मैंने इसको यहाँ कर दिया, ये खुश है, हाँ खुश है। और ये क्वेस्ट देता है, इसने दी है कि कैटफिश पकड़नी है आज,
जंगल सरफेस में सुबह 4:30 बजे गेम इन गेम टाइम पे, रियल टाइम में नहीं, ये क्वेस्ट चेंज हो जाती है और उसकी क्वेस्ट से रिवॉर्ड मिलते हैं। बहुत सारे रिवॉर्ड ऐसे हैं जो सेल फोन बनाने में बहुत मतलब काम आएंगे, जैसे कि नेविगेशन करके कुछ होता है, सेक्सटेंट होता है, मैप, ऐसा कुछ। प्लस ये सारी वो करने के बाद एक लावा में फिशिंग करने की भी वो देता है, और ये क्या नाम है इसका, जो भी है जूलॉजिस्ट पता नहीं, I don't like how cruel Adam the Angler is. मुझे नहीं पता है कि खुश है या दुखी, पर अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको यहीं रखा है। और $14 इतना महंगा दे रही है तो मतलब ये खुश नहीं है, क्योंकि 4 गोल्ड का दे रही है। मुझे नहीं पता क्या सीन है। डॉग टेल दे रही है, पहले नहीं दे रही थी। मोलस्क विजल समाना राइडेबल फ्लेमिंगो माउंट, अच्छा तो हमारा पहला माउंट भी आ जाएगा, पर 19 गोल्ड है ही नहीं मेरे पे इतने पैसा। 12 पिगी बैंक में और 3 अभी है, तो मैं अभी ख़रीद नहीं सकता। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको इसके उस वाले बायोम में डालूंगा, प्रेफरेबल बायोम में, तो ये रेट अपने कम कर देगी सामान के। मैंने अंडरग्राउंड एक घर बनाया है, विलेज टाइप का बनाया है, देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। पहले तो स्टार्स इकट्ठे कर लेता हूँ। चलो भाई बहुत नीचे है, ये देख रहे हो कितना नीचे है मैप पे। देखो यहाँ पे मैंने वो लगा रखे जेम कॉर्न्स जो बनाए थे, ये सिर्फ अंडरग्राउंड में उगते हैं या ऊपर स्टोन हो तो हर उसको उसके लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, वैसे 3-3 का गैप दोनों साइड चाहिए होता है, पर 5 सेफ रहता है। तो ये मैं एक काट के भी दिखा देता हूँ, ये वाला काट दे दो, ये छोटा है सबसे अभी तो। मिल गए मेरे को कितने, 1 एमिथ्स मिला, एक ही मिला लेकिन ज़्यादा मिल जाते कभी कभी, और एक जेम कॉर्न मिल गया। जेम कॉर्न को मैं यहीं लगा दूँगा इसी के ऊपर, आराम से उगेगा। और ये मैप में दिखा देता हूँ कहाँ पर है, मैप में यहाँ पर है। वैसे तो 50% भी नहीं है, 50% होगा, नहीं है वो, तो इतना नीचे नहीं गया मैं अभी तक मैप में। ये मैंने यहाँ पे मतलब एक छोटा सा था, यहाँ से लेकर और यहाँ तक दरवाजे के इधर कुछ नहीं था, यहाँ पे पत्थर थे मैंने जोड़ा, तो मैंने यहाँ गिमली जो वो था डिमोलिशनिस्ट को यहाँ रख दिया, तो इसको तो पसंद है, यहाँ पे कह रहा है कि हम बोनों को यही पसंद है। इसने रेट कम किए क्या, 2 सिल्वर का बेच रहा है, पता नहीं पहले। और ये पेंटर मूव हो गया, मुझे नहीं पता कैसे मूव हो गया। आई नो द डिफरेंस बिटवीन टॉर्क यूज एंड गुड मूड में बता रहा है। वैसे पेंटर का ये प्रेफरेबल बायोम है नहीं। व्हाट इज दिस, ओ ये क्या चीज़ है, ये कौन सी स्क्वायरल है। ओके मेरे पे वो नहीं है, मेरे पे नेट नहीं है अभी, अब मेरे को वो वाली एक्सेसरी मिली नहीं जिससे हम पिगी बैंक को कहीं भी स्पॉन करें, पता नहीं कब मिलेगी। पर ये जो चीज़ भी है बहुत सुंदर है, सफायर स्क्रल। अरे यार मैं इसको यहाँ बंद करके रख सकता हूँ क्या, ओके मैंने इसको बंद करके रख रखा है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ पीछे और बैक नट लाता हूँ, होपफुली ये यहीं रहे। ओके यहाँ से गायब हो चुकी है, डिस्पॉन हो गई वो। मुझे लगता है बगनेट हमेशा रखना पड़ेगा जब तक हम पे वो नहीं आता। और यहाँ पे कहाँ थे हम, इसका पता नहीं। गोल्फर मुझे डेजर्ट बायो में मिला थोड़े टाइम पहले, कह रहा था कि आई एम स्टक, ये गोल्फ स्टिक बेचता है, नया ही है अभी। और ये लॉन मोवर पता नहीं इनका कुछ काम नहीं पता मेरे को, क्योंकि एकदम नए हैं, गोल्फ का पूरा फीचर ही नया है। प्लस मैं इसकी वो देखता हूँ, हैप्पीनेस है इसकी, टेल मी समथिंग हाउ आई एम सपोज टू गोल्फ इन अ प्लेस लाइक अंडरग्राउंड, इट्स ऑलवेज फन टू हैंग विद मोरो द पेंटर।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि खुश है या दुखी क्योंकि अच्छा एक और चीज़, अगर मैंने कहीं देखा था, अगर हम वेस्टेरी में जाएं और किसी करेक्टर पे क्लिक करें, ओके, तो यहाँ पे ये ऊपर पेड़ बना आ रहा है, तो ये इसको फॉरेस्ट पसंद है, और ये स्टार्स इनकी रेयरिटी है, सबसे रेयर एनपीसी है। ओके, कॉल्फर भी इतना नहीं है, इसको भी फॉरेस्ट पसंद है, इसको जंगल पसंद है, इसको भी जंगल, इसको सी, इसको अंडरग्राउंड, इसको हेलो, हेलो तो हार्ड बोर्ड में आता है, मर्चेंट को भी फॉरेस्ट पसंद है और इसको भी फॉरेस्ट पसंद है, ओल्ड मैन तो ये डंजियन पसंद है सर। ओल्ड मैन ये वही है, क्या कहते हैं, जो डंजियन के आगे रहता है। तीसरा बॉस है, इसको भी देखेंगे, सफायर स्कोरल, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद हर। किंग स्लाइम को हम समन कर सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए एक क्या कहते हैं, ये देखो, तो ये देखो, इसे देखो, यहाँ पे एक स्विच है, मैं जैसे इसके पास गया, ये उस पर टच किया, लाइट चली गई, तो ये स्विच यहाँ पे एक डार्ट पे था, मैंने डार्ट तो हटा दिया, पर यहाँ से वायरिंग जा रही है। ओके, ये क्या हुआ, ये पेड़ अभी भी बड़ा, मिल गई सफायर बनी, मिल गया, नाइस। तो यहाँ से वायरिंग जा रही है, जिसे अभी हम देख नहीं सकते जब तक हम पे कोई वायरिंग वाला वो ना आ जाए, टूल आ जाए, तो ये वायरिंग इस पे भी टच हो रही है, तो ये इसे एक्टिवेट कर रहा है, स्विच, पुश बटन, स्विच नहीं बटन बोलेंगे इसे, जो बोलना है बोलो, क्योंकि इस गेम में मैकेनिज्म होता है ऐसे वायरिंग का, और इसमें तो अब कुछ नए नए भी आ गए हैं, एक्चुएटर्स तो पहले भी थे, लेकिन अब कुछ मैंने ट्रैक पैड ऐसा करके कुछ देखा, तो वो भी देखेंगे, ट्रैप व्रैप बनाने में और फॉर्म्स बनाने में काम आते हो। अभी तो फिलहाल यहाँ पे ठीक है, मैं पेड़ काट के फिर से लगा देता हूँ सारे। स्पीड बहुत तेज है वैसे इस वाले उसकी, इसमें मेरे को दो ही टोपाज मिले, सैड। डायमंड वाले को मैं थोड़ा छोड़ दूंगा, और ये नीला वाला क्या है, सैफायर, डायमंड वाले को मैं थोड़ा और बड़ा होने दूंगा। इसमें इनकी हाइट यहाँ पे नज़र रखनी है कि ये ऊपर कोई स्ट्रक ना हो करे, जितना बड़ा हो जाए होने दो, और दोनों साइड 5-5 का डिफरेंस हो तो बहुत बढ़िया हो। ओके, इसमें मेरे को कोई जेम कॉर्न नहीं मिला, गॉड, नहीं मिला ना जेम कॉर्न, नहीं, कौन सा था ये, एमेथ, वही नहीं, मैंने थोड़े जेम कॉर्न यहाँ पे इकट्ठा करके रखे हैं, 4 जेम कॉर्न है, एमेथ्स बना देता हूँ एक, बाकी जेम कॉर्न यहीं रख देता हूँ, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, और ये भी दोनों भी यहीं रख देता हूँ, सफायर बनी भी यहीं रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी इसका काम तो पता नहीं है, ले लिया मैंने उसे। ओके, यहाँ पे ये वाले बनी बनी मिल रहे हैं, ओ भाई नाइस, और यहाँ पे वो भी नहीं आ रहे एनिमी, नहीं तो यहाँ पे स्पॉन रेट बहुत ही अजीब था, बहुत एनिमी आ रहे थे। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे, यहाँ जो नीचे रास्ता है, यहाँ पे मैं पानी भर दूँ, और एक यहाँ पे फिशिंग बना दूँ अंडरग्राउंड के लिए, फिशिंग वाला तो गहरा कर दूंगा, और पानी के लिए जहाँ तक मुझे लगता है एक ऑटो बकेट तो आई है, नहीं तो जो वन वाला ग्लिच है, उंगली दर्द करने वाला, वही वाला करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए देखते हैं, और मशरूम बायो में एक मैंने देखा था, अभी दिखाता हूँ, यहाँ से नीचे है, वहाँ भी ले जाता हूँ साथ में। पहले मैं ये बता देता हूँ ये क्या था, अच्छा गोल्ड फिश है वहाँ पे, तैर रही है, अच्छा ये जो क्या नाम था इसका यार, स्पाइडर बायोम जो भी है, केवर्न था, यहाँ पे देखोगे मैंने नीचे यहाँ पे ये लगा रखे हैं, यहाँ पे देखो स्टोन बदल के स्टोन स्लैब्स लगा रखे हैं इनकी बाउंड्री पे, यहाँ पे बार बार ये वेब स्पॉन होता रहता है, और स्पाइडर भी आती रहती है, और यहाँ पे पार्टिकल के बंदे होने, पार्टिकल या कौन सी किसी एनपीसी के बंदे होने के चांसेस रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक फार्म टाइप पे बोलो, गरीबों का फार्म कुछ भी,
कुछ भी बोल लो, क्योंकि फार्म तो वैसे होता नहीं है, पर तब भी कॉब वेब मिलते रहते हैं, बार बार स्पॉन होते रहते हैं। अगर मेरे को कहीं और भी ये मिलेगा, जो कि मेरे को पक्का मिलेगा ही, तो अब बड़ा मिलेगा तो फ़ायदा है, क्योंकि तब चांस बढ़ जाएंगे पार्टिकल के स्पॉन होने के। बंद ही रहती है नहीं में किसी में। ओके नीचे चलते हैं। होपफुली ये देखो मशरूम बायोम, अभी मशरूम बायोम बहुत अपग्रेडेड है। तुम इसके पहले वर्जन में खेलते अगर 1.3 में तो ऐसा कुछ भी नहीं आता था, इतना बड़ा रैंडमली जनरेट होते थे छोटे छोटे, पर अभी देखो पेड़ भी बड़े बड़े जनरेट हो रहे हैं और ये लटकने वाले भी वो ग्लोइंग मशरूम जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ के भी कुछ काम है, क्योंकि एक यहाँ पे एक NPC आता है, क्या नाम है उसका, मशरूम, क्या मैं नाम भूल गया, वो मशरूम जैसा दिखता है उसका क्या काम है, वो शायद वो बेचता है एक आर्मर बेचता है, वो बाद में मेरे को याद नहीं आ रहा, और ऑटो हैमर भी शायद वही बेचता है। प्लस यहाँ पे जो यहाँ पे वॉर्म्स होते हैं, अगर यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा, बहुत एक रेयर वॉर्म होता है ट्रफल वॉर्म कीड़ा, उसको अगर उससे हम फिशिंग करेंगे तो हम ड्यूक फिशरॉन को समन कर सकते हैं। अब ड्यूक फिशरॉन तो है भाई, वो तो हार्ड मोड का बॉस है, अभी मत कर देना उसे गलती से भी समन, ऐसी तैसी हो जाएगी। ट्रफल वॉर्म बहुत रेयर है, तो ट्रफल फॉर्म के लिए ना लाइफ फॉर्म एनालाइजर था उसका यूज़ करना होता है, और यहाँ पे लिखा आ जाता है कि नियर बाय, और वो एनिमी के टच करने से मर जाएगा वैसे भी, क्योंकि वो भी एक हुआ है क्रिएटर ही है वो भी एक तरीके का, अगर जूम नहीं करोगे तो दिखेगा भी नहीं नीचे भी है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इस लावा में गिर के मर गया था ओ भाई साहब ये क्या है, लेड मिल गया था थोड़ा सा। अरे बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा इस ब्लू में। वैसे इस अपडेट में मैंने देखा कि ग्रीन कलर के मॉस यहाँ मैं नहीं आया, यहाँ पे पेड़ बना हुआ है। ओके और मैंने सोचा था कि मैं अपनी वो भी अपग्रेड करूँ, क्या कहते हैं, आर्मर अपग्रेड करूँ, पर आर्मर नहीं पिकेक्स, पर नाइटमेयर पिकेक्स के लिए मुझे शेडो स्केल्स चाहिए, और शेडो स्केल्स मिलेंगे हमें ईटर्स ऑफ वर्ल्ड को मार के, तो जो कि हमारा सेकंड बॉस है, मेन बॉस है अगर हम स्लाइम किंग को ना जोड़े तो। और उसको मारने के लिए उससे पहले मैं वहाँ जाऊँगा अभी मोस्ट प्रोबेबली क्रिम्सन करप्शन, पता नहीं है नाम भूल जाता हूँ उसका, क्रिम्सन ही है वो यहाँ से मैं टेलीपोर्ट कर जाऊँ क्या, यहाँ मरूंगा ही मैं और कुछ नहीं होगा, टेलीपोर्ट कर जाता हूँ। ओके तो मैं इस ये जो एक्सट्रैक्टिनेटर है इसका भी यूज़ बता देता हूँ, एक सेकंड। तो मेरे पे स्लेट ब्लॉक मैंने इक्विप कर रखा है, और मैं इसके ऊपर करूँगा तो कॉपर बन गया, प्लैटिनम ओर निकल गया, सिल्वर ओर निकल गया, तो इनसे ये सब निकलता है। और मेरे पे क्या है, सैंडस्टोन ब्लॉक, नहीं सैंडस्टोन ब्लॉक से नहीं करता, डेजर्ट फॉसिल है मेरे पे, उनसे देखो क्या क्या मिल रहा है, स्टडी फॉसिल एम्बर, इतने सारे वो मिल गए, 67 इकट्ठे किए मैंने डेजर्ट से, मतलब बहुत किए, मतलब अभी तो मैंने 67 वो किए। और मेरे को क्या क्या नई नई चीज़ें मिली, आयरन ओर, सिल्वर ओर, गोल्ड, 10 स्टडी फॉसिल, अभी देखता हूँ क्या काम है इसका, मैं भूल गया, एमरल्ड एम्बर मिला है, एम्बर वैसे मिलता नहीं है शायद जहाँ तक तो मुझे याद है। ओके स्टडी फॉसिल का काम है फॉसिल पिकेक्स, जो कि 55% ओके नहीं बहुत वीक है शुरुआत के लिए। बोन जेवेलिन, अब ये थ्रोएबल आइटम्स में है जेवेलिन, ये मेली में भी नहीं आते, ये रेंज में आते हैं, अब शायद रेंज में आने लग गए, पहले नहीं आते थे। थ्रोइंग नाइप्स, एम्बर स्टाफ, फॉसिल हेलमेट, फॉसिल प्लेट और फॉसिल ग्रीफ्स, ये तो रेंजर्स के लिए है, मतलब जो एक रेंजर का रेंजर क्लास का प्ले कर रहे हो,
मैं अभी नहीं कर रहा, मैं मिक्स्ड टाइप का कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा मीली पे ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। प्रोबेबली फ्यूचर में करूँ। और एम्बर से मैंने देखा नहीं क्या क्या था। एम्बर से एम्बर जेम कौन, ओके ये मैंने नया देखा है, बाकी सब वही है, एम्बर हुक वुक वगैरह वगैरह। ओके बॉयस, नाउ हमारी जर्नी शुरू हो गई। मैं चाहता हूँ कि मैं रात में ना जाऊँ, मैं यही चाहता हूँ कि मैं रात में ना जाऊँ। ओके मैं कहाँ फंस गया, हार्ट। और हाँ मेरे को ये याद नहीं रूबी कैसे, देखो क्या तूफान चल रहा है इधर डेजर्ट में। और मेरी स्पीड स्लो हो गई, मैं यहाँ चल नहीं पा रहा डेजर्ट में, मेरी स्पीड स्लो कर रहा है तूफान। नया है बिल्कुल नया, सही बताऊँ ये पहले नहीं था। ये क्या चीज़ गिर रही है, अरे ये क्या है, अरे भाई साहब मैंने स्नो में देखा था ऐसा। देखो मेरी, मैं अपना पीछे जा रहा हूँ, मैंडिबल ब्लेड में मैं अपना पीछे जा रहा हूँ। मैंने स्नो में देखा था भाई साहब, दिमाग ख़राब हो रहा था, ऐसा लग रहा था स्पेयर कोई घूम रहा हो। एंग्री टम्बलर, व्हाट इज़ दिस भाई। एक और चीज़, मैं पीछे हो जा रहा हूँ भाई भाई, इससे क्या कहते हैं वो डैमेज पड़ रहा है, फायर डैमेज भी इन्फ्लिक्ट हो रहा है कभी कभी। अरे यार अभी तो नहीं जा पाऊँगा मैं, स्पीड कितनी स्लो हो रही है। ओके यहाँ तूफान ख़त्म, नाइस। यार भाई पागल बनती है, डबल जंप का बहुत फ़ायदा हो रहा है यार, नहीं तो मैं कितनी बारी मर जाता। अब बस मैं स्पीड अप करूँगा सिर्फ। ओ भाई साहब 110 डैमेज तो सही में मेरे पे पड़ा लग हुआ है। अरे चलना है यार, जंगल तो बहुत, जंगल का स्पॉन रेट तो बहुत ज़्यादा होता है, ये तो फैक्ट है भाई, सीधी सीधी बात है। मास्टर मोड में तो जंगल में जो शुरू शुरू में वो आते हैं टर्टल टॉटोराइस कुछ आते हैं, वो तो वन हिट के वो कर देते हैं। वैसे हार्ड मोड में आते हैं लेकिन मास्टर मोड में शुरू में ही प्री हार्ड मोड में ही आ जाते हैं वो। ये चीज़ मेरे को इसकी बहुत बुरी लगती है ना, इसे दिखा दो, एकदम सीधे नीचे जाते हैं वाले होते हैं। करप्शन में ये होता है कि ना पहले जिग जैग होते हैं, लास्ट में उंगलियों जैसी प्रोजेक्शन होती है, उसमें आराम है। इसमें तो एकदम नीचे गिरता है इंसान, मुझे बहुत बेकार लगते हैं। और मैं एक में से किसी एक में ही जाऊँगा, मेरे पे डैमेज वाला भी कुछ वो नहीं है। यहाँ भैया डैमेज भी कम कर लूँ किसी चीज़ का, फॉल डैमेज कम कर लूँ। ओके नाइस, आई कैन बिलीव हमें यहाँ लड़ना पड़ेगा उससे। ओके मर गया था मैं भी, भाई साहब कितना बड़ा जगह है। देखो यहाँ अल्टर्स है, ये जो नीचे ये गोला दिख रहा है ना हमें नीचे, ये फोड़ना हमें, तीन फोड़ेंगे तो यहाँ पे मेन विलन जो बॉस है वो आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए नहीं, मुझे अभी मेन वो नहीं चाहिए। दो ही फोड़ूंगा मैं, क्योंकि दो फोड़ने से उसके चांस बढ़ जाते हैं म्यूटियोर गिरने के हमारे वर्ल्ड में, जो कि अभी हमें सख्त ज़रूरत है, बिकॉज वी नीड अपग्रेड्स। मैं दोनों साइड से फोड़ूंगा, एक मैंने फोड़ दिया। अ हॉरिबल चिन गोज टू योर स्पाइन, कुछ मिला, कुछ मिला इसको फोड़ने से इंस्टेंटली, नहीं मिला। ओके एक बार फोड़ूंगा, कुछ तो मिलेगा, उसमें तो अंडरटेकर वाली बंदूक मिलती है, एक ही रहा बीच बीच। तीसरा फोड़ दिया ना तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, मिल गई ZLS मस्केट मिल गई मेरे को, 31 डैमेज, नाइस, तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है मुझे रेंज रेंजर वाला आर्मर लेना ही चाहिए, नाइस। इस वाले को ही फोड़ देता हूँ, देखो दिखाता हूँ इससे, इससे तो टूटेगा नहीं है, पहले टूट जाता था अब नहीं टूटेगा। थैंक यू, स्क्रीम सेको अराउंड यू, आर्मर्ड बैंड ऑफ स्टार पावर, मैक्सिमम माना बाय 20,
मानावर 20 है ओके, और ये मटेरियल भी है तो पक्का काम आएगा किसी चीज़ के। वैसे मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मेरे पे इसका लाइफ रीजनरेट वाला है। तो मैक्सिमम माना मैं कोई मैजिक वो तो क्लास यूज़ कर नहीं रहा, तो मेरे को अरे एक और फोड़ देता ना मेरी ऐसी तैसी हो जाती, अभी समान हो जाता ईटर्स ऑफ वर्ल्ड। वैसे ईटर्स ऑफ वर्ल्ड को हराने की टेक्निक क्या है? कोई ऐसा वेपन जो ज़्यादा डैमेज दे, एरिया ऑफ इफेक्ट ज़्यादा हो तो और भी बढ़िया। ओके नीचे भी है, मुझे पता नहीं इसमें कुछ नया अपडेट आया भी हो। वैसे मैंने विकी में तो सारा पढ़ा था पहले, मतलब 1.3 में, मुझे इतना तो पता ही होगा कि कुछ नया है या पुराना। करप्ट सीड्स, तो मैं इसमें अभी तो नहीं लेकिन बाद में तेरी ऐसी की तहसील है, बाद में जो बीच का एरिया है इसी को बड़ा सा एक हमें वो बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसे यार, अरेना यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद ईटर्स ऑफ वर्ल्ड यहीं पे स्पॉन होता है सिर्फ इसी के अंदर। यार ये तो आए जा रहे हैं, ये रुकेंगे नहीं कसम से। ओह यहाँ पे मैं मरा था, डबल जंप का यूज़ किया मैंने, यहाँ पे एक हॉट भी है तो मैं हॉट ले लेता हूँ, लाइफ क्रिस्टल, और तुरंत ले लूँगा इसे। अभी तक म्यूटियोर नहीं गिरा ना, तो मैं एक और तोड़ नहीं सकता यार, इतना रिस्क नहीं ले सकता मैं। रिस्क क्या है, सीधा डेथ है भाई, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ उसके लिए। इस साइड का तो मैं नाप लिया भैया, मर गो। कोई बात नहीं,